हेलो गाइस, गाइस स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो गाइस जो हम बात करेंगे ईस्ट बंगाल एफसी के बारे में। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं फुटबॉल से रिलेटेड इस तरह का अपडेट डेली लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टीफन एजे के बारे में। तो गाइस एक न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि जो स्टीफन एजे है वो ईस्ट बंगाल एफसी में आ सकते हैं। अब गाइस आपको तो मालूम होगा कि जो स्टीफन एजे का जो परफॉर्मेंस है वो जमशेदपुर में कितना अच्छा रहा यार। उन्होंने 4 गोल स्कोर किया था। और गाइस आप बता दो कि स्टीफन एजे अभी क्वींस पार्क एफसी में है और गाइस क्वींस पार्क एफसी में उनका 2024 तक डील है। अब देखो गाइस अगर ह्यूज ट्रांसफर पे अगर पे करते हैं ना गाइस क्वींस पार्क एफसी को तब बस स्टीफन एजे ईस्ट बंगाल एफसी में आ सकते हैं। अब देखो इसके बारे में क्या होता है। और गाइस सेकंड में बात कर लेते हैं स्लैपको डामियानोविक के बारे में। तो गाइस और एक न्यूज निकल के सामने आ रही है कि जो स्लैपको डामियानोविक है वो ईस्ट बंगाल एफसी में आ सकते हैं। ऐसे भी गाइस एटीके मोहन बगान के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस साल पूरा पूरी खत्म हो जाने वाला है। अब देखो इसके बारे में क्या होता है। ऐसे भी गाइस बहुत दिन से बात चल रहा था कि जो स्लैपको डामियानोविक है वो ईस्ट बंगाल एफसी में आ सकते हैं। अब देखो साइनिंग पूरा पूरी कंप्लीट हो पाता है या फिर नहीं। बस यही बोलना था। चलो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।